नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। भादसोड़ा कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादसोड़ा में गुरुवार को सूर्य सप्तमी के तहत विद्यार्थियों ने किया सूर्य नमस्कार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादसोड़ा के प्रधानाचार्य शंकर लाल जाट के सानिध्य में विद्यालय के विद्यार्थियों ने गुरुवार को 10:30 से 11 के बीच सूर्य सप्तमी के तहत सूर्य नमस्कार किया। इस अवसर पर भादसोड़ा कस्बे के जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य गोविंद सोनी, रमेश चंडालिया, विमल अग्रवाल, विद्यालय स्टाफ उपस्थित था। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश है कि 15 फरवरी सूर्य सप्तमी के दिन बच्चों को, सभी को सूर्य नमस्कार कराया जाए। सूर्य सप्तमी की एक तरह से क्या है, सूर्य भगवान का जन्म दिवस है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य सप्तमी के दिन ही आज के सूर्य सप्तमी के दिन से ही सूर्य भगवान ने पूरे विश्व को प्रकाशित करना शुरू किया। तो चूंकि सूर्य भगवान जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं, तो सूर्य सप्तमी के दिन एक तरह से सूर्य भगवान का जो जन्मदिन मना रहे हैं। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। यह व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, हष्टपुष्ट बनाता है, पाचन क्रिया अच्छी बनती है। इसके अलावा पूरे शरीर का इससे व्यायाम हो जाता है, मानसिक संतुलन व्यक्ति को बना रहता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार जो है बहुत ही सभी के लिए लाभदायक है। क्या ये बच्चों के लिए सरकार ने प्रेरित कर रखा है कि सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य? सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हैं कि जो करना चाहते हैं वो करें। जिनको करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो पूरी तरह से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादसोड़ा में पालन किया जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान विद्युत वितरण निगम भदेसर के सहायक अभियंता के निर्देश में भादसोड़ा कस्बे में ग्राम पंचायत भादसोड़ा में सौर ऊर्जा शिविर का आयोजन किया। शिविर में घरेलू छतों पर सोलर ग्रिड कनेक्ट पावर प्लांट लगाने के लिए सोलर कंपनी के अध्यक्ष अनिल चंदेल ने ग्रामीणों को सोलर योजना पर सरकार के द्वारा दी जा रही अधिकतम छूट के प्रावधानों को ग्रामीणों को समझाया गया। वहीं इसी अवसर पर राजस्थान विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। जी सर, सोलर एनर्जी के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आता है भारत में। उसी क्रम में हम सोलर रूफटॉप योजना लेकर आए हैं। इसमें सभी डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट लगाने का प्रावधान है। जो भी उपभोक्ता 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएगा उसे 40% सब्सिडी अनुदान मिल रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनको 300 यूनिट भी निःशुल्क मिलेंगे। चौथा पॉइंट, जो उनको सब्सिडी काट के पैसा लिया जा रहा है वो भी उनके बिल के अनुपात में कम करते जाए तो 4 से 5 साल में पूरा प्लांट भी फ्री हो जाएगा। इसके साथ में ही हम एक स्पेशल योजना लेकर आए हैं, जो भी उपभोक्ता सोलर प्लांट लेगा और उनके पास पेमेंट नहीं है तो उनको 100% लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। और आज शिविर एविविनल सहायक अभियंता के मार्फत से भादसोड़ा राजीव गांधी परिसर में आपका शिविर आयोजन हो रहा है। क्या लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई मीटर रीडिंग निकालेगा, क्या है इस मामले में लोगों का कहना है? मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। इसमें मीटर रीडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, यानी कि सौर ऊर्जा जितने भी यूनिट बनाएगी वो उपभोक्ता पहले खर्च करेगा, एक्स्ट्रा बचा हुआ एवीवीएनएल की लाइन में एक्सपोर्ट होगा। और जब भी उपभोक्ता नाइट को यूनिट का उपभोग करेगा तब एक्सपोर्ट हुए हुआ एनर्जी वापस से इंपोर्ट होगा और बिल प्लस माइनस होकर शून्य हो जाएगा।
आपका शुभ नाम क्या, क्या दायित्व है? मैं अनिल कुमार चंदेल हूँ, एवीवीएनएल में वेंडर हूँ और ग्रेनेट सोलर एग्रोटेक एंड कंस्ट्रक्शन नाम से मेरी फर्म है। मैं आज प्रचार प्रसार के लिए आया हूँ। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर नगर परिषद बोर्ड बैठक सभापति संदीप शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई भाजपा पार्षदों ने शहर के कुछ मसलों पर सवाल किया, जिस पर सभापति शर्मा जवाब नहीं दे पाए और इसे लेकर विपक्षी पार्षदों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस हंगामा के बीच नगर परिषद द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 222 करोड़ का बजट प्रस्ताव पारित कर लिया गया। वही बैठक में मुश्किल एक घंटा भी नहीं चल पाई और बजट पारित होने के साथ ही समापन की घोषणा कर दी गई। नगर परिषद सभागार में अपराह्न 3 बजे के बाद बैठक शुरू हुई, जो कि बोर्ड बैठक का मसौदा पहले ही तय था। ऐसे में बजट बैठक औपचारिकता में ही निपट गई। सभापति शर्मा ने शहर में पिछले दिनों कराए गए कामकाज का ब्यौरा रखते हुए आगामी वर्ष का 222 करोड़ 32 लाख रुपए का बजट पेश किया। इस बीच भाजपा पार्षद छोटू सिंह शेखावत और उनके सहयोगियों द्वारा नगर परिषद के पास चौपाल निर्माण का मामला उठाया गया। उनका आरोप था कि जहां पर चौपाटी का निर्माण कराया जा रहा है, उस जमीन का टाइटल ही क्लियर नहीं है। इसके बावजूद लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। सभापति द्वारा टालमटोल जवाब दिया गया तो विपक्षी पार्षद भड़क गए। विपक्षी पार्षदों का कहना था कि नगर परिषद की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, निर्माण ठेकेदार के करीब 25 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है और सभापति शहर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। इन दोनों ही मसलों पर करीब 20 मिनट तक हंगामा होता रहा। इस दौरान सभापति ने बजट पेश कर अनुमोदित करवा लिया। वही बैठक में उप सभापति कैलाश पवार और नगर परिषद आयुक्त भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सभापति शर्मा ने कहा कि इस बजट में शहर में कई बड़े निर्माण कार्यों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शहर के सौंदर्यकरण को भी अहमियत दी गई है। सभा की बैठक बुलाई गई है, किस तरह का बजट रहा है और क्या नए प्रस्ताव है? आज हमने आगामी वर्ष के लिए 222 करोड़ 32 लाख और 21,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट से हमारे चित्तौड़गढ़ शहर का आगामी वर्ष में चहुमुखी विकास होगा। सब पार्षद साथियों ने आज बैठ के इस बजट को स्वीकृति दी है और इसके साथ ही हमने कुछ नामकरण के प्रस्ताव और शहर के हित के कुछ प्रस्ताव भी आज की बोर्ड बैठक में लिए हैं। जैसा कि ये भदेसर में गत दिनों कपड़ा व्यापारी के घर में हुई लाखों रुपए की सोना चांदी के जेवर और चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 44 तोला सोना और 2 किलो चांदी के जेवर के साथ 5 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस शेष जेवरात और नकदी बरामदगी के साथ आरोपियों के अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। वही साइबर सेल की मदद से भदेसर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के अनुसार 6 फरवरी को कपड़ा व्यापारी संजय कुमार पुत्र राजमल जैन अपने परिवार सहित उदयपुर शादी में गए थे। पीछे से अज्ञात चोर घर में घुसकर अलमारी से 50 तोला सोना व 2 किलो चांदी एवं 10 लाख रुपए नकद चुरा ले गए। इस संबंध में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ नकबजनी का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एएसआई गोविंद सिंह के जिम्मे किया गया। दिनांक 6 फरवरी को संजय जैन निवासी भदेसर में जो कपड़े के व्यापारी, उनकी यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें करीब 50 तोला सोना, 10 लाख रुपए नकद और 2 किलो चांदी की उन्होंने रिपोर्ट दी थी। वो चोरी अभी हमारी टीम ने एसपी साहब के नेतृत्व में और एडिशनल साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमने अभी ये चोरी ओपन की है, जिसमें 2 मुजरिमों ने इसमें डिटेन की है। एक दिनेश लेगर है, निवासी कन्नौज है और एक ये सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह राजपूत है, ये कन्नौज का रहने वाला नहीं है। ये सुरेंद्र सिंह है, ये इनके मुनीम का काम करता था, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। कितना माल बरामद हुआ है? ज्वेलरी में 44 तोला सोना रिकवर हो चुका है और नदी में 5 लाख रिकवर हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है जो इस घटना में प्रयुक्त हुई थी और चांदी जो 2 किलो गई थी, चांदी पूरी 2 किलो। शिवसेना के प्रदेश महासचिव रेशम जांगड़े जांजगीर चांपा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर अकलतरा रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां जिले के सभी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। आगामी तैयारी प्रशिक्षण सहित आगामी चुनाव के संबंध में और आगे शिवसेना की क्या रणनीति रहेगी,
इस बारे में उन्होंने मीडिया के सामने पार्टीगत बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में सरकार की खामियों को वर्तमान सरकार को ज्ञापन देकर किसानों को उसका हक अधिकार बेरोजगार और रोजगार जैसे आम जनता के हक और उनके अधिकार दिलाने के लिए शिवसेना बरसों से लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी। जिला अध्यक्ष शिवसेना दिलेश्वर विश्वकर्मा द्वारा पूर्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अकलतरा जनपद के सामने जनहित के मुद्दे पर संबंधित अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर प्रदेश महासचिव ने कहा अधिकारी से कार्यवाही के संबंध में संज्ञान लेंगे, अगर 15 दिनों के भीतर संज्ञान नहीं लिया गया तो आगामी तैयारी घेराव की रहेगी और आवश्यकता पड़ी तो मुख्यालय घेराव करेंगे। आगे के यही रणनीति है कि आगामी अभी जो प्रदेश के अंदर में जो अभी दिवाली के आसपास नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव चुनाव प्रारंभ होने जा रहे हैं, उसमें हमें हमारी पार्टी की तरफ से हमारे के मार्गदर्शन करना, यहाँ पे हम लोगों को प्रत्याशी चयनित करना करने के संदर्भ पे चर्चा किया गया है। अगर हमारी सरकार के द्वारा जो हमारी सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ नीति है और उसी नीति के तहत हम लोग छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में जिताना था और उनके द्वारा जो वचन दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाले नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में शिवसेना को पार्टिसिपेट के लिए अवसर मिलेगा, जिसमें हमारी पार्टी के प्रदेश के अंदर में सभी विधानसभा सभी नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव के भारी गोबर से जीत कर हमारे कार्यकर्तागण आएंगे और ये भी कोशिश किया जा रहा है कि एक दो महापौर का पद अगर शिवसेना को मिलती है प्रत्याशियों को अवसर मिलता है तो लोग महापौर के भी चुनाव जीत के आने के लिए वचनबद्ध होंगे और आम जनता का जो अधिकार का संघर्ष है वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़िया बात किसानों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, इसी कड़ी में हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो नया ऊर्जा प्रदान करना कुछ नीतियाँ हैं और अभी जो वर्तमान है प्रदेश के अंदर में हमारी पार्टी को नया ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का हम लोग आयोजन करना है, जिसके लिए हम लोग कार्यकर्ता दल और इच्छित करने के लिए कार्यकर्ताओं से संगठित करने के लिए वार्तालाप करने के लिए प्रदेश के दौरान यहाँ पर निकले और दौरा के दौरान आज हम लोग दूसरे दिन अकलतरा में बैठक लिए और उस बैठक में जो पार्टी को नई ऊर्जा के साथ यहाँ पे मजबूती प्रदान करने के लिए चर्चा की गई। चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आज जो छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो की गई उन खामियों को अभी जो नई सरकार आई है उसके द्वारा हमें ज्ञापन देकर उस कार्यक्रम को सफल बनाकर आम जनता को उस तरह का अधिकार दिलाने के लिए हम लोग कार्य प्रारंभ किए। मैं खुद आया था उस धरना के दौरान में ज्ञापन दिया गया था सीएमओ साहब को जो उसमें उस दिन मीटिंग में था उसको आज मैं अभी जाते जाते उसे मिलूंगा और जो ज्ञापन दिया गया उसमें अगर क्या संज्ञान लिया गया है अगर नहीं लिया गया है तो उसको 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे, उसके बाद पूर्ण रूपे इस अकलतरा में शिवसेना का झंडा डंडा मोर्चा के साथ घिराव किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यालय का गेट पे ताला लगाएंगे। आप अपना पद और नाम बताएंगे सर। रेशम जांगड़े प्रदेश महासचिव शिवसेना। जिले की अलग अलग जगहों से 170 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना शिवरी नारायण बमनीह डिहा बलौदा पुलिस की कार्यवाही जिला पुलिस जानकीर द्वारा अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 15/2/2024 को अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसमें थाना बमनी डिहा क्षेत्र में आरोपी नीतराम चंद्रभाष के कब्जे से 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, आरोपी नोमिस कुमार श्रीवास के कब्जे से 9 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, थाना शिवरी नारायण क्षेत्र में आरोपी रामनाथ के कब्जे से 80 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब तथा थाना बलौदा क्षेत्र से आरोपी तीज राम पटेल के कब्जे से 9 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, आरोपी गंगा प्रसाद रोहिदास के कब्जे से 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, चौकी पंतोरा क्षेत्र में आरोपी विजय यादव के कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, जुमला शराब कीमती
17,400 रुपए को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध अलग अलग अपराध धारा 34(2) भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कार्यवाही में निरीक्षक मणिकांत पांडे, थाना प्रभारी बमहिनी डिहा, उप निरीक्षक सागर पाठक, थाना प्रभारी शिवरी नारायण, उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा तथा थाना प्रभारी बलौदा, उप निरीक्षक BS बिहरिया, चौकी प्रभारी पंतौरा का सराहनीय योगदान रहा। विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया खत्म होने के 3 महीने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के प्रयास से जिले में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को विधानसभा निर्वाचन 2023 का शेष मानदेय राशि प्राप्त हुआ। इसके लिए प्रदेश लिपिक संघ के जिलाध्यक्ष विशाल वैभव और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष रविन्द्र राठौर ने संयुक्त रूप से बताया कि विधानसभा चुनाव होने के पश्चात काफी समय से हमारे अधिकारी कर्मचारियों की निर्वाचन अवधि का मानदेय जो कि तत्कालीन कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी मैडम के समय मानदेय राशि का भुगतान 2 दिवस का ही किया गया था। इस संबंध में कलेक्टर के साथ उप निर्वाचन अधिकारी निशा नेता मांडवी तथा निर्वाचन अधिकारी प्रदीप पांडे को जिले में कार्यरत समस्त लिपिक एवं शिक्षक कर्मचारियों की तरफ से संघ के पदाधिकारियों द्वारा धन्यवाद दिए गए। जिले के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों में खुशी एवं हर्ष व्याप्त है। कलेक्टर महोदय ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को निष्कलंक, निष्ठापूर्ण, जवाबदारी से संपन्न कराने के लिए सभी कर्मचारियों से अपील की है, जिसमें लिपिक संघ जिलाध्यक्ष विशाल वैभव एवं समग्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविन्द्र राठौर उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा निर्वाचन में पूर्ण सहयोग करने का वादा करते हुए बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के सामने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी आत्मानंद छात्रावास के नाम पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 26 लाख है। यह कार्य निर्माण एजेंसी के तौर पर ट्राइबल विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य से संबंधित विभाग पर गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार करने के आरोप के साथ ही जांच करने की मांग करते हुए भाजपा जिला महामंत्री व नगर पालिका दंतेवाड़ा उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने आज प्रेस वार्ता कर संबोधित किया। श्री धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि ट्राइबल विभाग के द्वारा करवाए जा रहे सारे कार्यों की जांच होनी चाहिए। विभाग के AC आनंद सिंह से संपर्क कर उन्होंने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की जानकारी दी, पर चहेते ठेकेदार के आगे नतमस्तक विभाग कार्यवाही करने से भागता रहा। वहीं श्री प्रताप ने कहा कि इसी तरह दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के सामने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी आत्मानंद छात्रावास के नाम से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी एजेंसी ट्राइबल विभाग है। इस कार्य को दीपेंद्र शर्मा के रिश्तेदार द्वारा करवाया जा रहा है, जो इस जिले के नहीं है अथवा जिले के बाहर से है। और परेशानी क्या है, दीपेंद्र शर्मा के पूछने पर धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी ठेकेदार हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही ट्राइबल विभाग के सारे कार्यों की जांच करवाने की बात धीरेन्द्र प्रताप ने कही है। कार्य जो मुंह में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सरकार बनते ही भाजपा की सरकार से सारे मंत्री या संगठन सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक, अभी एक ये मामला है कि दंतेवाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक हायर सेकेंडरी स्कूल हॉस्पिटल के पास है, जिसमें आत्मानंद छात्रावास के नाम से हॉस्टल बन रहा है पीछे, जिसकी शिकायत मैं ट्राइबल विभाग के अधिकारी आनंद सिंह जी से की थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पे। जब फ्लोरिंग हो रहा था तो मैं देखने गया था तो 2 अंगुल की फ्लोरिंग, मतलब 2 इंच की फ्लोरिंग की जा रही थी, जिसकी मैं शिकायत आनंद जी सिंह से किया था कि जो भी संबंधित ठेकेदार है उसको बुला के जो भी इंजीनियर है उसको देखें, घटिया निर्माण हो रहा है। उसके बाद आनंद सिंह जी से मेरी बात हुई तो बोले मैं बताता हूँ ठेकेदार को। फिर एक दिन हमारे पास दीपेंद्र शर्मा आए, जो मंडल संयोजक कटे कल्याण है, उन्होंने कहा कि ये काम हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं और कुछ अगर आपके साथ कुछ बोले हो, मतलब कुछ बोलने की बात नहीं है, काम गलत हो रहा है, घटिया हो रहा है, उसमें जो है बेस 2 अंगूर का बेस करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का बेस होता है, बेस को सुधरवा दो। सीधा वो छर्रा मार रहे थे उसमें, जैसे WBM रोड करते हैं,
तो और उसमें फिर सूखा मसाला मिला के डाल रहे थे, तो मैं देखा वीडियो फोटोग्राफ भी उसका वो किया, मैं उनको बताया, बोले ठीक है मैं सुधरवाता हूँ। लेकिन सुधरवाने के बजाय पूरा काम उसी तरह से किया गया, कोई उसमें सुधार नहीं आया। उसके बाद फिर बीच बीच में मैं जाके देखता था कि क्या सुधार रहे क्या नहीं सुधार रहे। जो प्रातलन बना है जिसपे टीएस हुआ है उसमें सारे कालम 300x400 के हैं, 30x40 के हैं, लेकिन एक भी कालम वहां पे 30x40 का नहीं है। जो भी बीम का डिजाइन है उस बीम का भी साइज एस्टीमेट के हिसाब से नहीं है। छज्जा पूरा लंबा डालना है उस बिल्डिंग में 21 मीटर का, लेकिन खिड़की खिड़की में डाला गया है, लंबा छज्जा नहीं डाला गया है। सारे कालम एंड बैंड है, टेढ़े मेढ़े हैं, वो भी नहीं है। कालम में जो राड डालना चाहिए वो राड नहीं डाला है। जो बीम सेंटर में होना चाहिए वो बीम भी छोटी छोटी बनाई गई है। स्लेब में हाइट, जो स्लेब का मोटाई होता है 12 सेंटीमीटर है, जिसको उनके द्वारा 9 सेंटीमीटर का स्लेब डाला गया है। इसी तरह से इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं पूरे जिले में भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा हुआ है। जो भी इसका इंजीनियर है उस इंजीनियर से काम ना करा के आनंद सिंह जी शायद तकनीकी सहायक से काम करवा रहे हैं, तकनीकी सहायक उसका मूल्यांकन कर रहा है, जबकि आर्डर तकनीकी सहायक का नहीं है। ट्राइबल विभाग में कटे कल्याण में भी भ्रष्टाचार से इनके जो काम चल रहे हैं उनकी भी जाँच होनी चाहिए, जो नगर में हो रहे हैं उनका भी होना चाहिए। कुआं कुंडा इनके जितने ऐसे ठेकेदार हैं भ्रष्टाचार के, उनके सभी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ये जो टेंडर हैं पिछले सरकार की समय के हैं, जब कांग्रेस सरकार थी, ये सारे टेंडर चोरी से लगाए हैं ट्राइबल विभाग ने। और जो भी ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है ना, दंतेवाड़ा के लोकल ठेकेदार नहीं है, ये सब कहीं से इधर उधर नातेदार रिश्तेदार जगदलपुर से बुलाए गए हैं। और दंतेवाड़ा जिले को जो बाहर के ठेकेदार आके चोरी से काम कर रहे हैं ना, चारागाह समझ रहे हैं दंतेवाड़ा को, लेकिन दंतेवाड़ा जिले के किसी भी निर्माण को वो चारागाह ना समझे। सरकार बदल गई है, सारे लोगों के ऊपर कार्यवाही होगी। जो भी भ्रष्टाचार इस तरह से बिल्डिंग करेगा, कोई भी ठेकेदार हो, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। भाजपा का भी कोई होगा तो भी मंत्री जी का निर्देश है, उसके ऊपर भी कार्यवाही होगी। कोई भी भ्रष्टाचार किसी काम में ना ही सरकार बर्दाश्त करेगी, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि करेंगे, ना ही संगठन के लोग करेंगे। भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं शामिल है, ना ही किसी का साथ देगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और आखिरकार जनता कांग्रेस से बलौदा बाजार से विधायक रहे माननीय प्रमोद शर्मा जी आज आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर कई नेताओं का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच खबर है कि पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा एवं पूर्व विधायक विधान मिश्रा आज बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा से पहले जोगी जनता कांग्रेस से इस्तीफा देकर 26 अक्टूबर को नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी के साथ मतभेद के चलते जनता कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह कांग्रेस का दामन थाम लिया और आज जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के समक्ष भाजपा जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। देखिए डीडी समाचार संवाददाता छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार ध्रुव की खास रिपोर्ट। खबर भदेसर पुलिस थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांति समिति के करीब 40 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शांति बनी रहे और सीआरजी के सदस्यों ने भदेसर पुलिस थाना एवं आरजा वाले रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, साथ ही स्थानीय लोग दुकानों के बाहर मोटरसाइकिल में खड़ी कर चले जाते हैं, जिससे की बड़ी सादगी से चित्तौड़गढ़ जाने वाली गाड़ियों एवं चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी जाने वाली गाड़ियों का जाम लग जाता है। इस व्यवस्था के कारण फ्लैग के
सदस्यों ने शांति समिति में अपनी बात रखी और बानसेन गांव के श्रीनिवास लड़ा ने शांति समिति की मीटिंग में अपनी बात रखी। अभी शादियों का सीजन चल रहा है जिसके कारण डीजे बारे बहुत बहुत तेज आवाज में डीजे बजाते हैं, जिसके कारण पूर्व में भी फुलाबाग में डीजे बजाते हुए किसी व्यक्ति का मकान गिर गया था, जिस पर से सीएलजी की मीटिंग में भदेसर DYSP राजेंद्र कुमार टेलर को मामले को अवगत कराया गया। साथ ही इन डीजे वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है, जिस पर डिवाइजर से SP राजेश कुमार टेलर सभी डीजे वालों के भदेसर पुलिस थाने पर बुलाया। इस मौके पर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार सुरपरिया, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि रघुवीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य गिरधारी लाल सोनी, पूर्व कन्नौज सरपंच राजकुमार सुखवाल, पंचायत समिति सदस्य उदय लाल खटिक आदि उपस्थित थे। सीएलजी की मीटिंग जैसे परंपरागत रूप से हर महीने होती है, वैसे आज हमने सीएलजी की मीटिंग ली है जिसमें करीब 35 से 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इन लोगों ने अपने यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो बताई थी, जैसे ट्रैफिक की समस्या है और बसों वगैरह बस स्टैंड वगैरह के भी यहाँ पर कोई जगह एक फिक्स नहीं है, तो सरपंच साहब के द्वारा भी ये आश्वासन दिया है कि वो एक जगह स्थापित करेंगे। इसके अलावा आगामी अब जो चुनावी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं तो किस तरह से शांति बनाए रखने की अपील की गई है पुलिस द्वारा भी, और आपस में सद्भाव और भाईचारे से रहने के लिए इनको बताया गया है और उनकी जो लोकल समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है जिसके ऊपर हमने समाधान की तरफ प्रयास किए। सर, बात की जा सकती है थाने के बाहर, थाने के जो थाने से भदेसर इधर जाने वाला IKR वाले रोड पे आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है, कई ट्रैफिक में लोग परेशान होते हैं, गाड़ियां इधर से आती हैं चित्तौड़ जाती हैं, चित्तौड़ से बड़ी साड़ी तक जाती है, वो जाम में फंस जाते हैं। इस मामले को लेकर इसी मामले को लेकर चर्चा हुई, वो सबसे बीच चौराहे के ऊपर अभी तक जो बसें हैं वो सवारें उतारती हैं और वहीं से लेती हैं। इसी को लेकर सरपंच जो यहाँ लोकल सरपंच है उन्होंने ये बताया कि इस बस स्टैंड की जगह एक फिक्स की जाएगी जहाँ पर बसें रुकेंगी ताकि बीच चौराहे के ऊपर ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बने। आए मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं, खड़ी करके चाय पीने चले जाते हैं, गलियों में चले जाते हैं, उनके लिए विशेष ठोस कार्रवाई होगी? हाँ डेफिनेट, पुलिस गश्त भी करती है, समझाइश भी करती है और जब अगर आवश्यकता होती है तो कार्रवाई भी करती है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए DD समाचार के साथ।